और यूपी की 80 सीटों की लिस्ट तैयार हो गई है। यह लिस्ट खुद ग्राउंड पर जाकर योगी आदित्यनाथ ने तैयार की है। कांग्रेस को लिस्ट बनाने में क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि कांग्रेस के लीडर दिल्ली में बैठकर यूपी, एमपी और बाकी स्टेट की लिस्ट बनाने की सोच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो पिछले 24 घंटे में आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर के दौरे पर गए, ऐसे ग्राउंड पर गए, जनता के मूड को समझा और लिस्ट बनाई। फिर लिस्ट दिल्ली भेजी जाती है। चुनाव जीतने के लिए जितना सही कैंडिडेट सिलेक्शन जरूरी है, उतना ही कैंपेन भी। और कैंपेन कैसे किया जाता है, कैंडिडेट को कैसे जिताया जाता है, चलिए आप इस रिपोर्ट से समझिए। रामगढ़ ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथिया लिया। पैसा लिया उन्होंने, पैसे से खरीदा है। बहुत सुंदर मकान बनाया। अगर कभी जल्दीबाजी में रवि किशन जी चाहेंगे कि मैं फिल्म की शूटिंग करने जा रहा हूँ, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हुए जा रहे हैं, पता लगा वो सब अगले साथ सब पीछे पीछे चालान भी उनका पहुंच जा रहा है, अब नहीं कर पाएंगे। अब अगर स्मार्ट क्लास हो, टैबलेट और स्मार्टफोन हो, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब कोरोना जैसी महामारी भी आपके पठन पाठन को बाधित नहीं कर पाएगी, उसका मुकाबला आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन याद रखना, एक टैबलेट और स्मार्टफोन रवि किशन की फिल्म को देखने के लिए नहीं है। ये गोरखपुर में योगी का स्टाइल है। योगी का फोकस वैसे तो पूरे यूपी पर है, लेकिन गोरखपुर खास पॉलिटिकल एपिसेंटर है। गोरखपुर योगी की कर्मभूमि है और यहाँ से सांसद रवि किशन। और जब रवि किशन की बात आती है तो योगी का अंदाज एकदम बदल जाता है। अच्छा बताओ, रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी, फ्री में या पैसा लेके हैं? अब चुनाव के बाद मैं बोलूंगा कि 100-200 फ्री का करवाना है, ठीक है ना? तो रवि किशन को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है, सब लोग सहमत है ना? सभी लोग रवि किशन बनकर कई वोट मांगने के लिए घर घर जाएंगे, तैयार हैं? रवि किशन की तरह एक्टिंग मत करने लग जाना, वोट मांगना है, ठीक है? एक्टिंग करने के लिए तो पर्याप्त है और इसीलिए हम लोग आए हैं। योगी और रवि किशन के बीच एक अलग केमिस्ट्री है। जब स्टेज में योगी के साथ रवि किशन मौजूद हो तो योगी अलग स्टाइल में रवि किशन का प्रचार करते हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते? वे लोग तो गोली चलाते थे, गोली। और आज गोली नहीं, आज तो पलक पावड़े बिछा करके आने वाले श्रद्धालुओं का सम्मान किया जा रहा है, लंगर चल रहे हैं, यानी भगवान का आशीर्वाद भी और साथ साथ भगवान का प्रसाद भी, दोनों एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। हो रहा है ना? सहमत है ना? और इसीलिए आए हैं। योगी लखनऊ पहुंच गए, गोरखपुर से सांसद की कुर्सी छोड़ी और रवि किशन को सौंपी। लेकिन उन्होंने गोरखपुर को कभी दूर नहीं होने दिया। हर रविवार को योगी गोरखपुर में जनता दरबार लगाते हैं। गोरखपुर में भले ही चेहरा रवि किशन है, लेकिन गोरखपुर का इलेक्शन योगी के लिए पर्सनल है। ये योगी और मठ की विरासत की लड़ाई है। गोरखपुर भी अब स्मार्ट सिटी के रूप में अपने आप को कह पाएगा। बहुत बड़ी योजना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, हमारा देश भी और हमारे शहर भी स्मार्ट लगे। हमें दुनिया की तरफ मुंह ना देखना पड़े, बल्कि दुनिया भारत से, हमारे शहरों से सीख सके। आज के समय में हम तकनीक अपनाएं और उस तकनीक का उपयोग कैसे हम कर सकते हैं स्वयं को भी स्मार्ट बनाने के लिए और अपनी सिटी को भी, हमारी सिटी के बारे में लोग अच्छी धारणा बनाएं, ये हमारा दायित्व तो बनना चाहिए। यूपी की 4 सीट सबसे हाई प्रोफाइल है। वाराणसी से प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ते हैं, रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ती थी, इस बार कौन लड़ेगा अभी साफ नहीं हुआ। अमेठी भी गांधी परिवार का गढ़ था, इस बार राहुल अमेठी से लड़ेंगे पता नहीं।
गोरखपुर से रवि किशन दोबारा लड़ेंगे, इसका ऐलान हो चुका है। योगी से पहले गोरखपुर की पहचान अकेले गोरखनाथ मंदिर से होती थी, लेकिन अब इसे लोग योगी के गढ़ के तौर पर भी जानते हैं। अगर गोरखपुर के चुनावी इतिहास की बात करें तो आजादी के बाद से गोरखपुर सीट पर अब तक 19 बार चुनाव हुए, जिसमें 10 बार गोरखनाथ मठ के उम्मीदवार जीते। 19 चुनावों में 6 बार कांग्रेस, 2 बार निर्दलीय, 1 बार हिंदू महासभा, 1 बार जनता पार्टी और 1 बार SP ने जीत दर्ज की है, जबकि BJP ने 8 बार इस सीट पर कमल खिलाया है। गोरखपुर सीट पर या तो मंदिर के महंत ने जीत हासिल की या फिर वो उम्मीदवार जीता जिसे मंदिर ने सपोर्ट किया। 65 सालों में लगभग 32 साल तक इस सीट पर मठ का ही दबदबा रहा है। गोरखपुर में कुछ भी होता है तो उसका सीधा असर योगी आदित्यनाथ पर पड़ता है। योगी ने इसी सीट से 1998 में अपना पहला चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद योगी ने बैक टू बैक 5 बार इस सीट से चुनाव जीता, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में योगी गोरखपुर से सांसद बने। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नामनः सपे यदहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां सधां निष्ठां च धारिष्ये। ये योगी आदित्यनाथ की पहली सांसद शपथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2017 में योगी ने यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और गोरखपुर सीट से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। 2018 में उपचुनाव हुए तो ये सीट सपा के खाते में चली गई। इस जीत ने अखिलेश यादव के हौसले बुलंद कर दिए थे, लेकिन 2019 में BJP ने रवि किशन को मैदान में उतारा और दोबारा भगवा फहराया। रवि किशन को 7,17,122 वोट मिले थे। SP के राम निषाद को 4,15,458 वोट मिले। 19 के चुनाव में 3,01,664 वोटों से जीत दर्ज की थी। जब बुआ और बबुआ एक साथ आ गए थे उस वक्त 3 लाख से ज्यादा वोट से जीत अपने आप में रिकॉर्ड है। अब 24 में योगी का टारगेट इस जीत को और बड़ा करने का है। योगी इस जीत को 5 लाख प्लस करना चाहते हैं। इसके लिए योगी लगातार गोरखपुर में अपना कैंप कर रहे हैं। BJP की लिस्ट जारी होने के बाद योगी ने पहला प्रचार गोरखपुर में ही किया था। 2 मार्च को BJP ने पहली लिस्ट जारी की थी। 8 दिन में योगी 3 बार गोरखपुर के दौरे पर जा चुके हैं।